हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। उम्मीद है कि सारे बच्चे आपो अपने घर च बिल्कुल तंदुरुस्त ते राजी खुशी होवोगे। अज दा अपना जिहड़ा टॉपिक है वह है लगाखर। लगाखर जिहड़े ने आपां गुरमुखी दे विच दस लगाने, दसां लगां दे नाल जिहड़े तीन चिन्ह लगाने आपां, बिंदी, टिप्पी ते अदक, इन्हां तिन्नां चिन्हां नूं आपां लगाखर कहने। गुरमुखी विच लगा नाल लगण वाले चिन्ह बिंदी, टिप्पी ते अदक, इन्हां नूं लगाखर कहा जांदा। इन्हां दे विचों बिंदी ते टिप्पी, इन्हां दोनों की वरतों सेम आ, इक्को जिही आ। उह किवें कि जदों आपां दसां लगां दे विचों किसे दा वी उचारण नक विच हुंदा, जदों भी किसे लग दा उचारण नक विच होएगा ते उहदे नाल जां तां बिंदी दी वरतों होएगी जां टिप्पी दी, भाव कि दोनों दी वरतों सेम आ। नासकी जदों नासकी लग बन गई, जदों भी उहदा उचारण किसे लग दा नक दे विचों होया ते उह जे उहदे नाल बिंदी जां टिप्पी लगेगी। दो चिन्ह आपां इस करके वरतदे हां क्योंकि इन्हां दसां लगां दे विच हर एक दे नाल बिंदी नहीं लग सकती ते हर एक दे नाल टिप्पी नहीं लग सकती। जिहड़ियां छे ने कन्ना, बिहारी, लां, दुलावां, होड़ा ते कनौड़ा, इन्हां नाल केवल बिंदी दी वरतों हुंदी। जिवें आ वरतों शब्द मैं लिखिया है, इहदे विच तुसीं वेख रहे हो बिंदी दी वरतों होई है। वरतों ओं होड़े दी आवाज़ नक दे विचों आ रही है, ठीक है। इस तरह चार लगा मुक्ता, सिहारी, औंकड़, दुलैंकड़, इन्हां दे नाल टिप्पी दी वरतों हुंदी है। जिवें सुंड, सुंड औंकड़ दे नाल की लगदा पिया वा, टिप्पी। गुन, गुन ठीक है, उहदे विच भी औंकड़ दी आवाज़ दे नाल जिहड़ा वा नक चों उचारण हो रहा है ते उत्थे केड़ी है टिप्पी लग रही है। जदों इन्हां दी वरतों आपां ऊड़ा स्वर दे नाल करदे हां, ऊड़ा स्वर दे नाल अपनियां औंकड़, दुलैंकड़ ते होड़ा तीन लगां लगदियां ने, इन्हां तिन्नां लगां दे नाल जदों भी ऊड़े दा उचारण नासकी होवेगा उदों केवल बिंदी लगी होएगी। मतलब कि उत्थे ये फर्क नहीं पैंदा कि औंकड़ लगा है, दुलैंकड़ लगा है जां होड़ा लगा, उत्थे सिर्फ जदों भी आपां ऊड़ा स्वर दी वरतों जिहड़ी आ नासकी चिन्ह दे रूप विच होएगी उहदे नाल लगी के लगदी ते उस टाइम पर सिर्फ ऊड़े दे नाल बिंदी लगेगी, ऊड़े दे नाल टिप्पी नहीं लगेगी। इसे तरह तीसरा आ जांदा अदक। अदक दी वरतों इन्हां दोनों नालों डिफरेंट है, अलग है। अदक दी वरतों आपां जदों जिवें आपां हिंदी है, संस्कृत भाषा आ, इन्हां दे विच आपां की करदे हां कि जदों किसी अक्षर दी आवाज़ नूं दोहरा प्रगट करना होवे उदों आपां अद्धे अक्षर पा लैंदे हां। किसी अक्षर दी आवाज़ नूं दोहरी आवाज़ नूं प्रगट करन लई हिंदी विच, संस्कृत विच आपां अद्धे अक्षर पा लैंदे हां, पर पंजाबी विच इंज नहीं हुंदा। पंजाबी दे विच जदों किसे अक्षर दी आवाज़ आपां दोहरी प्रगट करनी है ते उस अक्षर तो जिस दी आवाज़ दोहरी प्रगट होएगी उस अक्षर तो जिहड़ा पहला अक्षर लगा होएगा उहदे उपर आपां अदक लगाखर दी वरतों करांगे। जिवें सच, सच चिच्चे दी आवाज़ दोहरी हो रही है पर आपां चिच्चे दे उत्ते अदक नहीं पानी, आपां उस तो पहले अक्षर सस्से दे उत्ते अदक पानी है। हिक, क, कक्के दी आवाज़ दोहराई दे विच प्रगट हो रही है उस तो पहले अक्षर दे उपर आपां अदक पावांगे। भुख, भुख खखा दी आवाज़ जिहड़ी आ उहदे ते ज़्यादा स्ट्रेस है, दोहरी आवाज़ प्रगट हो रही है, उस आवाज़ नूं प्रगट करन लई उस तो पहले अक्षर पब्बे उत्ते आपां अदक पावांगे। इस प्रकार पंजाबी विच अक्षरां दी दोहरी आवाज़ नूं प्रगट करन लई अदक पाई जांदी है। जिस अक्षर दी आवाज़ नूं दोहरा प्रगट करना हुंदा है उस तो पहले अक्षर उपर अदक पाई जांदी है। ए सी साढ़े तीन लगाखर।
बिंदी ते टिप्पी दी वरतों उदो करदे आ जदों लगा दस लगां विचों किसे दा भी उच्चारण नक विच हुंदा है उदों आपां बिंदी ते टिप्पी दी वरतों करदे हाँ। ते जदों किसे अक्षर दी दोहरी आवाज़ नूं प्रगट करना होवे उस टाइम तां आपां उस तों पहले अक्षर दे उपर अदक दा पा के काम सार लिया जांदा। ते इह सी साडे पंजाबी भाषा दे गुरमुखी लिपी दे तीन लगाखर बिंदी टिप्पी ते अदक। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा तुहाडा। उम्मीद है कि तुसी सरकार दीयां हदायतां दीयां पालना करोगे। स्टे होम स्टे सेफ। ते जल्दी आपां फिर मिलांगे स्कूल्स दे विच। सत श्री अकाल।